अगर आप बनना चाहते हैं एक फार्मासिस्ट, करना चाहते हैं फार्मासिस्ट की कोई डिग्री जैसे या डिप्लोमा, अगर आप डी फार्मा और बी फार्मा में कन्फ्यूज हैं कि आप डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बने या बी फार्मा करके फार्मासिस्ट बने, तो आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करके फार्मासिस्ट बनना है, फिर बैचलर इन फार्मेसी करके फार्मासिस्ट बनना है। मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और हमेशा की तरह फिर से स्वागत है आपका लर्न मेडिकल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डी फार्मा बी फार्मा में क्या कोई बड़ा बड़ा डिफरेंस है, तो नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है और एक बैचलर कोर्स है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आप लास्ट में डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन रहेगा। पहले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि डी फार्मा जो है एक शॉर्ट कोर्स है, अगर आपको नहीं पता होगा डी फार्मा के बारे में, इधर एक आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डी फार्मा का डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। इसमें केवल डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है 2 ईयर का कोर्स होता है, जबकि बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स होता है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है एग्जाम मेथड ईयरली पे होता है, जबकि बैचलर इन फार्मेसी का सेमेस्टर बाय एग्जाम होता है, मतलब आपका 6-6 महीने पर एग्जाम होता जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है दोनों में, तो दोनों में सेम ही एडमिशन क्राइटेरिया है जो है कि आपका अगर आप 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो दोनों का इंट्रेंस एग्जाम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते होंगे तो निकल चुका है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि दोनों में स्टडी क्या करना रहता है, दोनों में सेम स्टडी करना रहता है। अगर डी फार्मा आप करेंगे तब पर भी वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और बी फार्मा करेंगे तब पर भी वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट डिफरेंस इतना है कि अगर डी फार्मा में आप एडमिशन लेते हैं जो 1 ईयर में सब्जेक्ट कवर करेंगे, वो बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो 2 ईयर में आपको सब्जेक्ट कवर करने होंगे। डी फार्मा में थोड़ा शॉर्ट पढ़ना रहता है, बी फार्मा में थोड़ा लॉन्ग पढ़ना रहता है, उसमें आप डिटेल से समझेंगे, जबकि डी फार्मा में टोटली शॉर्ट बताया जाता है आपको। और दोनों को करने के बाद फार्मासिस्ट ही आप बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि डी फार्मा और बी फार्मा जो है ये फी में कितना डिफरेंस रहता है, तो डी फार्मा और बी फार्मा की फी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत हल्का फुल्का हो सकता है। किसी कॉलेज में डी फार्मा की फ़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी कॉलेज में बी फार्मा की फ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फार्मासिस्ट का जो दोनों फी है, डी फार्मा डिप्लोमा करें या बैचलर, दोनों की फ़ी भी बराबर होती है। इसके बाद बात करते हैं जॉब की, अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आपको बी फार्मा से 20% कम जॉब का चांस रहता है, जबकि अगर बी फार्मा करते हैं बी फार्मा का डी फार्मा से 20% ज़्यादा जॉब का जो है संभावना रहता है। और इसके बाद बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी में भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आपको 20% कम सैलरी मिलेगा कंपेरिजन टू बी फार्मा, अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास डिग्री है तो। इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस में आपको आसानी रहेगा, किस में आसानी नहीं रहेगा, तो आप कर पाए हैं 12th कम्प्लीट और आप पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा हार्ड कोई नहीं होता है। जिस तरह से लोग समझते हैं कि नहीं कॉलेज में जो है छोटे छोटे जो मेरे भाई बहन है अभी 10वीं 12वीं के या फिर 9वीं 10वीं से, वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं कॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा ये रहता है पढ़ना लिखना, तो ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से आप अपना छोटे क्लास का जो जिस हिसाब से पढ़ते हैं वहाँ सेम टू सेम समझ लीजिए कि आपको वही लोड यहाँ भी रहेगा, तो थोड़ा हाई क्लास रहती है तो आप पहले पढ़ते पढ़ते आते हैं, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना रहता है, आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपको एक हेल्प हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो आता है, मैं अभी मेरे को ही पता चला, पहले तो नहीं पता था कि उसका हिंदी में भी रहता है, तो आप थोड़ा सा दे सकते हैं। और एग्जाम मेथड वगैरह पूरे से कन्फर्म करके मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप हिंदी में एग्जाम देंगे तब पर भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा प्रॉपर या नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो है कि डिसाइड करने की बात रही, तो डिसाइड आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप कोई बैचलर्स डिग्री कर पाए हैं, जैसे आप BSc कर पाए हैं और आप करना चाहते हैं फार्मासिस्ट की कोई डिग्री, तो आप बिल्कुल बी फार्मा की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपके पास जो है शॉर्ट टाइम में आपको डिग्री चाहिए, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी ही करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कर पाए हैं 12th कंप्लीट और आपका उम्र भी बहुत कम है, बहुत कम मिस नहीं, 17 साल तक है आपका उम्र, और आप चाहते हैं कि आप एक कोई अच्छा कोर्स करें और उसके बाद कोई अच्छा जॉब मिले, तो आप डी फार्मा की तरफ ना जा करके बी फार्मा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा आपको 4 साल समय लगेगा। अगर आप इंटर कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए आपका एज 17 रहेगी, तो 18, 19, 20, 21 साल आपका बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 6 मंथ लग जाता है आपका, मतलब 1 ईयर तक मान के चलिए कि आपका डिग्री जो है कंप्लीट होने में लग जाता है, लास्ट में आपका डिग्री मिलने में, तो मान के चलिए कि आप 22-23 साल में आपके पास डिग्री कंफर्म हो जाएगी, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर पाए हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर आप इंटर करने के बाद कुछ दिन रुक गए हैं, जैसे इंटर आपने 1-2 साल पहले कर लिया है, कुछ दिन रुक गए हैं, आप सोचते हैं कि कोई कोर्स करें फार्मासिस्ट का, या फिर आपको मेडिकल क्षेत्र में एक्सपीरियंस है फार्मासिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं,
हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा डी फार्मा, क्योंकि डी फार्मा एक शॉर्ट कोर्स है। और आप आगे हाई स्टडी करना चाहते होंगे, आप ये चाहते होंगे कि नहीं मैं तो अभी रुक गया हूँ लेकिन हमको आगे चल के हाई जो है स्टडी करना है, तो आप डिप्लोमा की तरफ ना जाएँ, आप बैचलर की तरफ जाएँ, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद चाहे तो आप पी एच डी कर सकते हैं, या फिर आप इंटर के बाद चाहे तो डायरेक्ट फॉर्म डी कर सकते हैं। अगर किसी जो है कि कोई डी फार्म या फॉर्म डी आई एम फॉर्म संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर डी फार्मा आप करके हाई स्टडी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा इसमें, इसलिए क्योंकि डी फार्मा 2 साल का रहता है। अगर डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा करते हैं तो आपको 3 साल पढ़ना रहता है, जबकि डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो 2 ही साल का होता है। तो अगर आप फार्मेसी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और पहले डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे तो आपका टोटल मिला के 5 साल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर ग्रेजुएशन बी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो आपका 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि अब जो है अपना आप डिसाइड ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो नॉलेजफुल मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।